नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की आवाज में। और इंडिया की आवाज में सीधी तस्वीरें आप इस समय देख पा रहे हैं। देखिए, आपको बैल यात्रा दिखाई दे रही होगी। इस कौन द्वारा यह बैल यात्रा निकाली जा रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि यह बैल यात्रा लगातार 35 वर्षों से निकाली जा रही है और संपूर्ण भारत का यह भ्रमण करेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार रथ को जोड़ा हुआ है बैलों पर और इस पर बैठकर इस कौन का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ का प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दूं, इसकोन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, कई देशों में इसकी शाखा है, अलग अलग देशों में इसकी संस्थाएं हैं जो कि धर्म के परोपकार के पुण्य के कार्य करती है। और आप देख सकते हैं इसकोन की वेशभूषा को धारण किए हुए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आपको यात्रा की तस्वीरें हम दिखा दे, पूरे भारत का यह यात्रा भ्रमण करेगी और 35 वर्षों से यह यात्रा जा रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग प्रणाम करते हुए और यहाँ स्वागत के लिए लोग खड़े हो चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी संख्या में श्रद्धालु भगत यहां पर उपस्थित है और हरे रामा हरे कृष्णा का उच्चारण करते हुए जो कि इस्कॉन संस्था जो कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आप नाम भी देख पा रहे हैं, 1984 से द्वारका से यह प्रारंभ हुई थी और यह देखिए पुष्प वर्षा यहां पर की जा रही है श्रद्धालुओं द्वारा, भक्तों द्वारा। पुष्प वर्षा को आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं जगह जगह पर स्वागत किया जा रहा है और चार धाम की 6 परिक्रमा पूर्ण करके वृंदावन कुरुक्षेत्र हरिद्वार से बद्रीनाथ यह पहुंचेगी, संपूर्ण भारत का यह भ्रमण करेगी। आप देख सकते हैं द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, चार धाम, इन चार धाम की यह यात्रा करेगी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित इस्कॉन की यह संस्था। आप सीधी तस्वीरों में इस समय देख सकते हैं, इंडिया की आवाज पर आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। आप देख पा रहे हैं आप देख सकते हैं किस प्रकार श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है। और जहाँ तक विचार है इस्कॉन के संस्थापक का यहाँ पर जो है प्रतिमा बनी हुई है उनकी, इस्कॉन के जो संस्थापक थे, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किसके द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालु उपस्थित है, भक्तगण जो है वो पुष्प वर्षा करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। और आइए जानने का प्रयास भी करेंगे कि किस प्रकार की यह यात्रा है, किस भगवान श्री कृष्ण को समर्पित संस्था द्वारा। और बैलों को आप देख सकते हैं यहाँ पर किया गया है और इस श्रद्धालुओं द्वारा, भक्तों द्वारा पुष्प वर्षा को आप देख सकते हैं। देखिए श्रद्धालुओं को देख सकते हैं किस किस पड़ाव में पहुंची है ये यात्रा। 1984 से पुण्य क्षेत्र गुजरात द्वारका से प्रारंभ हुई थी। द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, चित्रकूट, ऐसी भारत की 6 बार परिक्रमा हुई है। अभी सातवीं बार परिक्रमा गुजरात से 6 जनवरी को निकली थी। पूरा एक साल दो महीना हुआ है पद यात्रा निकलते निकलते आपके पानीपत शहर में पहुंची है। तो इधर के स्थानीय भक्तों ने बढ़िया भगवान का स्वागत वही है, सालों साल ये चलता ही रह रहा है। किसकी बनी हुई है यहाँ पर? हाँ जी, ये बताइए कि बैल, आप बता रहे हैं कि बैल बदल जाते हैं, आप लोग बदल जाते हैं, और ये कब तक चलेगी या कभी रुकने वाली है? ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, उनकी भविष्य, इन्होंने पूरे विश्व में इस्कॉन की स्थापना करके ये हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। ये 10,000 साल तक ये यात्रा और ये हरिनाम का प्रचार प्रसार चलेगा, ऐसी चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी है। क्या उद्देश्य है इसका यात्रा? इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य हमारी सनातन संस्कृति, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, श्रीमद भागवतम, इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार करके जन सामान्य लोग है उनको धर्म के प्रति उनको झुकाव होना चाहिए, तभी शांति प्राप्त कर सकते हैं, इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आपको कितने साल हो गए? मैं 13 सालों से इस पदयात्रा में चल रहा हूँ, 2009 से राधाष्टमी से आज तक 13 सालों से भारत की ये दूसरी बार मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। ये प्रसाद आप देते हैं और कुछ भी देते हैं आप श्रद्धालुओं को या लोग जो है? जो भी कोई इसके ऊपर पैसा चढ़ाता है, 10 रुपए भी चढ़ाता है उसको हम 10 रुपए किताब देते हैं, 100 रुपए चढ़ाता है 100 रुपए किताब देते हैं। ये पैसा कमाने की यात्रा नहीं है, धर्म का प्रचार,
हमारी ये यात्रा में इंजीनियर डॉक्टर्स है, बहुत पढ़े लिखे भक्त लोग है, अपना जीवन भगवान की सेवा के लिए दिया है। ये धर्म प्रचार के लिए जो भी कार्य है, जो भी कोई एक रुपए चढ़ाता है उसको एक रुपए का स्टिकर हम देते हैं। कहाँ ये यात्रा खत्म होगी? ये यात्रा गुजरात द्वारका में खत्म होगी, द्वारका से प्रारंभ हुई है, पूरा भारत की परिक्रमा करके फिर द्वारका में खत्म हो जाती है। कब अनुमान लगाया जा रहा है? अभी कम से कम 8 साल लगता है, एक परिक्रमा करने के लिए 10 साल लगते है। ये 2011 में पद यात्रा पानीपत नहीं आई, पानीपत पहली बार आई। हम रोहतक से जिंद होते हुए कुरुक्षेत्र गए थे, लेकिन पानीपत के भक्त बड़े भाग्यशाली है, यहाँ के इस्कॉन के भक्त प्रचार करते हैं, जन्माष्टमी रथ यात्रा करते हैं, उनकी भक्ति के प्रभाव से ये भगवान का रथ, अभी ये होली पूर्णिमा के दिन बड़ा फंक्शन होने वाला है, इसलिए ठाकुर जी भगवान स्वयं ये पानीपत के वासी है, उनके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। कैसा स्वागत किया गया आपका? बहुत बढ़िया स्वागत किया, और ये जो आप जो रिपोर्टर्स है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जगह पे जाते हैं, अलग अलग स्टेट में, केरला तमिलनाडु बड़ा प्रचार करता है, लेकिन कभी भी न्यूज़पेपर भी नहीं आते, लेकिन ये हरियाणा मतलब इधर हरि का आना होता है, और इधर कुरुक्षेत्र बहुत पास में है, इधर हर एक के कण कण में भगवान की भक्ति की नस उनके अंदर है। हम जहाँ भी जाते हैं बहुत बढ़िया स्वागत हरियाणा में इस पद यात्रा का हुआ है, और स्पेशल ये पानीपत में भी बहुत बढ़िया स्वागत हुआ है। कितने लोग? हम 20 लोग है, और ये बड़े बड़े 6 बैल है, भगवान का रथ है, ये स्वामी जी बैठे हैं, उनको देख के बहुत लोग बोलते हैं ये मूर्ति है क्या, स्वामी जी बैठे हैं, उनका बड़ा अट्रैक्शन है। ये यात्रा पड़ाव आज यहीं पर है पानीपत में? आज और कल, ये हमारे स्थानिक भक्त है, यहाँ पे इन्होंने बढ़िया सेंटर बनवाया है, वहाँ पे 2 दिन रुकेगी, भजन होगा, कीर्तन होगा, प्रसाद वितरण होगा, गाँव में शोभा यात्रा होगी, ग्रंथों का वितरण होगा, गो रक्षा के बारे में हम लोगों को बताते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। अन्य देशों में भी इसको बुजुर्ग तो आदमी आप देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी धर्म की तरफ है, भगवान को याद करता है, क्या अब जैसा आप प्रचार कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और आपके संज्ञान में भी आता होगा, क्या नई जनरेशन भी आपके साथ जुड़ रही है? हाँ, बहुत सारे, हम जो जितने भी है सब यंग है, ये इस्कॉन संस्था में जितने भी जो सभी को प्रचार होता है, लेकिन ये एक यूथ है वो 1000 लोगों को बदल सकता है। बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में ये इस्कॉन का प्रचार है, एमटेक आईआईटी के स्टूडेंट है इस यात्रा में, और फिर भगवान का भक्त बनते हैं, तो एक यूथ 1000 लोगों को बदल सकता है। ये भक्ति सभी के लिए है, सभी कोई बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो भक्ति सभी के लिए है। जिस तरह आरोप भी लगाए जाते हैं कई चंदा वगैरह, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत सारी है बाबा आजकल मांग देते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कहाँ से फंडिंग आती है, क्या सेवा भावना है, क्या है, कहाँ से? हम जहाँ भी जाते हैं हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, भगवान के ऊपर डिपेंड है, और ये इस्कॉन संस्था है, ये हमारे इस्कॉन के डिवोटीज है, इधर आ गए तो वो प्रसाद की व्यवस्था करते हैं, और ये भगवान सभी की व्यवस्था करते हैं, लेकिन हम अपनी जेब में एक पैसा भी नहीं रखते हैं। जितना भी आता है ये संस्था के लिए जमा होता है, और संस्था के माध्यम से ग्रंथों का वितरण होता है, ग्रंथ छपवाते हैं, माला लोगों को देते हैं, हरिनाम कराते हैं, प्रसाद कराते हैं। ऐसा आखिरी सबक कोई जो लोग आप तस्वीरों में देख पा रहे हो, आपके इस वीडियो को देख रहे हो, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे धर्म के प्रति? ये लोग जैसा मछली होती है पानी से बाहर निकाल देंगे तो मछली कभी संतुष्ट नहीं होगी, उनको कितना भी प्लेन में घुमा दो, अच्छा खिला दो, वो संतुष्ट नहीं होगी। वैसा ही जब तक हम भगवान की भक्ति अध्यात्म तक जुड़ते नहीं, तब तक सुखी और शांति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए बहुत सारे इधर हमारे भक्त है, वो घर गृहस्थी है, घर में रहते, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, साथ साथ भगवान की भक्ति भी करते हैं। ऐसा किसी को बोलते नहीं आप संन्यास लो, घरदार छोड़ो, आप जहाँ रहते हैं भगवान का भजन करिए, भगवान की भक्ति करिए, सुखी रहिए, यही उपदेश हम सभी लोगों को देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और भक्तों से भी बातचीत करेंगे। महिलाएं जो है सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से, आइए इस्कॉन के विषय में जान लेते हैं। प्रभु जी ये बताइए इस्कॉन के विषय में कुछ बताने का कष्ट करें हमारे दर्शकों को। ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ, पूरा ये संस्था की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई है, अमेरिका में। इसके द्वारा यह की गई ये भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये इनके गुरु जी ने कहा था कि हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका प्रचार विदेश में करना चाहिए। उम्र के 70 साल की वो विदेश में गए और उधर गीता भागवत का प्रचार किया, वो लोग नशा व्यभिचार जुआ उसमें बहुत मस्त थे, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम का प्रचार किया,
12 साल में 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया और संपूर्ण विश्व में 108 मंदिर की उन्होंने स्थापना की है। ये गुजरात द्वारका से चालू हुई है, द्वारका, बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ऐसी चारों धाम की पैदल यात्रा करके फिर द्वारका में जाके फिर यात्रा का। अनुमान के अनुसार कितने राष्ट्रों में ये संस्था है? ये कम से कम अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 125 कंट्री में बनवाया, अलग 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 द्वारा समय समय पर सेवा के परोपकार के कार्य भी किए जाते रहे। हाँ। यूक्रेन में और बांग्लादेश में भी कभी इस्कॉन द्वारा सेवा के कार्य किए। हाँ, अभी यूक्रेन में अभी युद्ध चल रहा है, उधर के भक्त लोग प्रसाद बांटते हैं, अन्नदान करते हैं। अभी कोरोना के टाइम पे दिल्ली इस्कॉन के वजह से बहुत प्रसाद वितरण हुआ, बम्बई इस्कॉन लोगों को अन्नदान खिलाते और दवाई बांटते, कपड़ा देते है, गोर गरीब लोगों की भी सेवा इस्कॉन संस्था की तरफ से होता है। अपना नाम बताएगा? मेरा नाम आचार्य दास है और ये भक्त लोग है, ये भगवान की सेवा करते हैं, बैल चलाते हैं, हरि नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसा सुना है कि प्रभु की उपाधि दी जाती है इस्कॉन में जो आचार्य या महंत होते हैं इनके? हाँ, जो ब्रह्मचारी है उनको प्रभु बोला जाता है और जो सन्यासी उनको महाराज बोला जाते है। प्रभु मतलब मैं आपका सेवक हूँ, ऐसा हम दूसरे को प्रभु बोलते, हम दास, ऐसा प्रभु एक प्रभु मतलब हम उनके सेवक, ऐसा उनका भाव रहता है। आचार्य दास। देखिए भक्तगण भी यहाँ पर उपस्थित है, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपको कैसा अनुभव हो रहा है ये रथ यात्रा पानीपत पहुंची है? बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, हमारा सौभाग्य है कि भगवान जो है हमारे पानीपत में आए। आप इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, कितना समय हो गया? 18 साल हो गए। तो कैसा अनुभव होता है इस्कॉन में? बड़ा बहुत अच्छा होता है कि हम सौभाग्यशाली है कि हमें भगवान से जुड़े हैं। देखिए जो भक्तगण थे, जो श्रद्धालु थे, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं यहाँ प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, जो भी भक्त लोग हैं वो बैलगाड़ी के आगे आ जाइएगा और कीर्तन शुरू कीजिएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रह्मचारी एवं आचार्य प्रकार के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे और पूरे भारत का ही है भ्रमण करेगी और साथ ही देखिए और हृदय से धन्यवाद करते हैं इन लोगों ने हमारा सहयोग। आपने इंडिया की आवाज के माध्यम से देखिए एक बार अधिक से अधिक शेयर जरूर करें और देखिए यहाँ पर पुस्तक वितरित की जा रही है, यहाँ पर भगवत गीता वितरित की जा रही है, श्री कृष्ण को समर्पित यह संस्था है, भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना जाता है यहाँ। भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य माना जाता है इस्कॉन में, आप देख भी सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन, यानी कि आपको बता दूं कि कई देशों में यह संस्था कार्यरत है और वहां पर सेवा के परोपकार के भावना कार्य वहां पर किए जाते हैं। और देखिए यहां पर भक्ति भाव के लिए, भजन आदि के लिए भी प्रबंध किया गया है, सभी प्रकार के प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं इस यात्रा में। और देखिए कुछ भोजन आदि सामग्री जो उपयोग की है वो भी इनके द्वारा ली गई है, आप देख सकते हैं। और इंडिया की आवाज का यह प्रयास रहता है, जैसा कि आपने अभी तस्वीरों में देखा, कि आगे भी आपको इस प्रकार की घटनाएं, सूचनाएं और जानकारियां पहुंचाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। इसी के साथ हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया की आवाज। Thank you.